जिस्म फरोशी सेक्स रैकेट में फंसी मशहूर अभिनेत्री पुलिस ने भेष बदलकर ग्राहक बनकर दलालों को धर दबोचा, पुलिस कारनामे का किया पर्दाफाश। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में जिस्म फरोशी सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा था, जिसको लेकर पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। देह व्यापार बड़ी ही चतुराई से लड़कियों की सप्लाई, फोटो दिखाकर बोली लगाई जाती थी, या यूं कहें देह व्यापार चलाने वाले दलाल 20,000 से 40,000 रेट फिक्स करते थे। लेकिन पुलिस के हाथ रैकेट का लगना मुश्किल था। पुलिस सादे वर्दी में दलाल से संपर्क किया और पेमेंट के बहाने दलाल से मुलाकात की। दलालों को क्या खबर थी कि यह आखिरी दिन दलाली होगी। पुलिस ने दलालों को धर दबोचा और इस सेक्स रैकेट में एक छत्तीसगढ़ से मशहूर अभिनेत्री, एक राजस्थान से, ऐसे कुल मिलाकर 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पुणे के कमिश्नर कृष्ण प्रकाश एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो अपने पुलिस स्टेशन की हाल जानने के लिए, पुलिस की रवैये को जानने के लिए खुद भेष बदलकर पुलिस स्टेशन चले गए थे, एक आम इंसान बनकर, जहां उनकी खूब प्रशंसा हुई और महाराष्ट्र में सराहना हुई। जिस तरह की रैकेट का खुलासा किया है, ये बड़ी ही सातिराना अंदाज में चल रहा था। पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि होटल में जो कमरे भी बुक होते थे लड़कियों की आईडी पर बुक होती थी। लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया, पेमेंट के बहाने उन्हें बुलाया गया और फिर उन्हें दबोच लिया गया। लेकिन ये घटना बताती है कैसे लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर जिस फरोशी के धंधे में ढकेलने वाले लोग किस तरह कलंक बने हुए हैं और आज भी मौजूद हैं। नहीं, मोबाइल फोन पर फोटोग्राफ भेजकर खूबसूरत लड़कियों के एक दिन का 10,000 से 15,000 और रात का 20,000 से 40,000 इस तरह का डिमांड किया जाता था, जिसमें से लड़कियों को 1,500 से 2,000 रुपया दिया जाता था। इसमें जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनके खिलाफ पहले भी अनैतिक मानवीय व्यापार के अपराध दर्ज हैं। जितेंद्र हस्तिमल बोकाड़िया और हेमंत प्राणबंधु, इन दोनों पर यरवड़ा, लोनीकंद और सोलापुर के बीजापुर नाका पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ अपराध दर्ज है। इसमें से एक तीसरा आरोपी यूसुफ शेख उर्फ लंगड़ा के खिलाफ भी चतुरसंगी पुलिस स्टेशन में अनैतिक मानवीय व्यापार प्रतिबंध कानून के अंतर्गत केस दर्ज है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये तरीका जो होता है, इसमें ये बड़ी चालाकी से काम करते हैं ताकि आरोपी ना बने। ये जो दलाल हैं, वो लड़कियों के नाम से उनके ही कार्ड्स भेजकर वो होटल की बुकिंग कराते हैं जहां आपको चाहिए, और फिर वहां वो पहुंचते हैं। हमारे सामाजिक सुरक्षा पथक ने डेकॉय कस्टमर्स भेजे थे और उन डेकॉय कस्टमर्स ने जब सुनिश्चित किया और उन्हें कहा कि हम स्पॉट पे ही पैसे देंगे, इसलिए ये लोग यहां तक आए और वहां धर दबोचे गए।